सबसे मेन पार्ट है जहाँ पर सर्जरी के जो पॉइंट होते हैं, जहाँ पर प्राइवेट पार्ट्स का चेकअप है, और उसके साथ में 10-12 पॉइंट और हैं, जैसे वेरिकोज वेन है ना, हाइड्रोसील है, पाइल्स है नहीं है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे अनफिट हो जाते हैं, पाइल्स इज परमानेंट रिजेक्शन, बट उसका भी एक ट्रीटमेंट है जो कि हमारे वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर्स आपके लिए। तो एक बार डॉक्टर्स का इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। दिखाइए सर, प्लीज सर आपने बारे में बताइए। सर ये जिस तरीके के बच्चों को दिक्कत आती है पाइल्स में, हाइड्रोलिसिस में, ये स्कोलियोसिस क्या होता है, थोड़ा सा बताएंगे सर? नहीं देखो, जो इसमें जो हम सर्जिकल पार्ट ऑफ व्यू से चेकअप कर रहे हैं, तो पाइल्स में तो जैसे बच्चे खुद ही कंप्लेंट करते हैं कि या तो उनको पेन रहेगा या फिर उनको ब्लीडिंग की दिक्कत होगी, तो हम बेसिकली पूछ लेते हैं प्रोक्टोस्कोपी की, अगर जरूरत होती है तभी करते हैं। जी सर। बाकी स्कोलियोसिस तो हम टेढ़ापन देखते हैं स्पाइन का, ओके, स्पाइन को अगर कोई टेढ़ा नहीं हो। बाकी जितना भी चेकअप है बेसिकली ये उसके लिए है कि कोई मतलब आगे जाके बच्चों की ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना है। ट्रेनिंग दिक्कत ना है, राइट सर। अपने नाम बताएं थोड़ा सर। मैं डॉक्टर हिमांशु, मैं जूनियर डॉक्टर। सर आप तो बहुत लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं, लास्ट टाइम भी आपने बहुत सारे बच्चों को सक्सेसफुली ऑपरेट किया था, और लास्ट टाइम भी मैंने करीबन 100-110 बच्चों का चेकअप असिस्ट किया था डॉक्टर साहब के साथ ही। जी जी। बाकी वो भी सक्सेसफुल रहा था और आशा है कि ये भी सक्सेसफुल। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुशी होगी, आउट ऑफ 110 100, 1 इज ओनली अनफिट, ऑल आर गेट मतलब मेडिकल फिट हो गए थे एंड दे जॉइन अस। तो ये बच्चा है, नाम क्या बेटा? विशाल। चलो सर शुरू कर लेते हैं, आप इधर खड़े हो। शर्ट उतार लो। अब देखते हैं पूरा इसका चेकअप क्या रहता है। इसीलिए डिफेंस गुरुजी वन ऑफ द बेस्ट, और साथ में डॉक्टर जांगड़ा सर हैं जो वन ऑफ द बेस्ट इस मामले में बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। ये मुस्सा है सर, ठीक है। प्राइवेट पार्ट्स की जैसे सर ये मतलब ये ऑर्थो का पार्ट होता है, ड्रॉपिंग शोल्डर वगैरह, ये ऑर्थो का पार्ट।